चेस की दुनिया में ऐसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत से अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन उनमें से कोई भी ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बराबरी नहीं कर पाया, जिसने 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर कार्लसन के खिलाफ 2023 में वर्ल्ड चेस कप फाइनल खेला है। वह यहाँ कैसे पहुंचे, आइए एक नजर डालते उनके सफर पर। प्रज्ञानंद, जिन्हें लोग शॉर्ट में प्रग बोलते हैं, उनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन वैशाली, जो एक अच्छी चेस प्लेयर भी है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए 3 साल की उम्र से चेस खेलना शुरू कर दिया। प्रग ने कम उम्र से ही चेस के लिए एक्सेप्शनल टैलेंट और जुनून दिखाया। जब वे 6 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला टूर्नामेंट जीता और जल्द ही लोकल और नेशनल इवेंट में रेगुलर पार्टिसिपेंट बन गए। प्रग को पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता 2013 में मिली जब उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अल इन में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 8 का टाइटल जीता। उस समय वे केवल 7 वर्ष के थे और इससे उन्होंने FIDE मास्टर्स का टाइटल अर्जित किया। 2016 में वे 10 साल 10 महीने की उम्र में इतिहास के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बन गए। प्रग का अगला कदम ग्रैंड मास्टर बनना था, जिसे उन्होंने 2018 में 12 साल 10 महीने की उम्र में हासिल किया और सरगेई कार्जकिन के बाद दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। इस सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और चेस की दुनिया में प्रज्ञानंद ने अपना एक बहुत बड़ा नाम बना दिया। उसके बाद उन्होंने 2017 में लंदन क्लासिक ओपन, 2019 में लियोन मास्टर और 2021 में पोलगर चैलेंज जैसे कई बड़े टूर्नामेंट भी जीते। प्रग का बेमिसाल प्रदर्शन चेस वर्ल्ड कप 2023 में आया, जहां उन्होंने दुनिया के नंबर एक और मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ फाइनल में पहुंचने के लिए हिकारू नाकामुरा, हैरी गीज, अर्जुन और फैबियानो कारुआना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को चौंका। प्रग ने बहादुरी से कार्लसन के खिलाफ दोनों क्लासिकल गेम्स को ड्रॉ किया, लेकिन टाई ब्रेकर में हार गए। उन्हें सिल्वर मेडल, $80,000 और कैंडिडेट टूर्नामेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। प्रग की सफलता को पूरी दुनिया ने सराहा। उन्हें विश्वानंद, जुडिट पोलगार और गैरी कैस्परोव जैसे चेस के अद्भुत खिलाड़ियों से प्रशंसा और समर्थन मिला। उन्हें रेडबुल, नाइक और टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप डील भी मिली। उन्होंने IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में हायर किया गया, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। प्रग अपने रिमार्केबल अचीवमेंट का श्रेय अपने कोच आरबी रमेश को देते। रमेश प्रग को तब से ट्रेन कर रहे जब वह 8 साल के थे। रमेश का कहना है कि प्रग एक मेहनती और डिसिप्लिन छात्र है जो हमेशा अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करता है और कभी हार नहीं मानता। प्रग का चेस का सफर दुनिया भर के लाखों चेस फैंस और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि एक्सीलेंस के लिए कोई उम्र लिमिट नहीं होती और पैशन और डेडिकेशन कोई भी सपनों को सच कर सकता है। उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया और दुनिया में अपने तिरंगे को लहराया।